सबको मेरा प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल। 27 साल हो गए, 27 साल पुरानी चक्की जो जनता को पीस रही है, वो महंगाई की चक्की, वो गरीबी की चक्की, वो भ्रष्टाचार की चक्की, वो बेरोजगारी की चक्की, वो पेपर फूटने की चक्की, और गुजरात के लोग ये मन बना चुके हैं इस चक्की को उखाड़ के फेंक देना है 27 साल बाद। ये यहां की बात नहीं है, मैं पूरा गुजरात घूमा हूं, मैं खेड़ ब्रह्मा गया, मैं जेतपुर गया, मैं सुरेंद्रनगर गया, मैं कोडिनार गया, मैं मेढाना गया, मैं आज अहवा गया, नवसारी गया, उडना गया। भाई साहब जहां भी जाते हैं लोग एक ही बात कहते हैं, हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो। और हम भी एक ही बात कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, आपको खुद को करना पड़ेगा। 1 तारीख को आपको खुद को करना पड़ेगा, कहीं 5 तारीख को, कहीं 1 तारीख को। पहले क्या होता था, पहले नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। इस बार उल्टा होगा गुजरात में। 8 तारीख को 6.5 करोड़ गुजराती जीतेंगे और नेता हारेंगे, जो अपने आप को समझते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता। भाई साहब ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। ये लोग, ये जनता जब चाहे आदमी अर्श पर और वहां जाके भाजपा की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आ जा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं लोगों ने, जनता बड़ी है, जनता बड़ी है लोकतंत्र में। तो इनको अहंकार हो गया है कि हम कभी हारते ही नहीं है। मैं जब जाता हूं इनके पहाड़ों में, जंगलों में, तो मैं पूछता हूं कि यहां से पहले कौन है एमएलए, कहते भाजपा का है। मैंने कहा जीतने के बाद कितनी बार आया, और दुख की बात यह है सब जगह से यही जवाब मिलता है, जीतने की बात छोड़िए मान साहब, हमारे पास तो वोट मांगने भी नहीं आते, वोट मांगने भी नहीं आते। इतना लावारिस छोड़ रखा है पब्लिक को, इतना लोगों को अपनी किस्मत पर छोड़ रखा है। सब खा गए, स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए। और मैं आया था, मैंने कहा गुजरात जाते हैं, गुजरात का मॉडल देखूंगा। भाई साहब हाईवे से नीचे उतर जाओ 2 किलोमीटर के बाद गुजरात का मॉडल शुरू हो जाता है। सड़कें, मैंने सड़क में खड्डे देखे थे, लेकिन गुजरात आकर खड्डों में सड़क पहली बार देखी है मैंने। और जब हम जाते हैं इनके पास नौकरी लेने के लिए, कोई सीवरेज करने के लिए, सीवरेज का काम हो, गांव का कोई काम हो, कोई शहर का काम हो, तो कहते हैं खजाना खाली है। भाई साहब खजाना खाली है, तो इनके इनसे पूछिए कि जब इनके बच्चों को चेयरमैन बनाना होता है, जब इनके बच्चों को मंत्री बनाना होता है, तब खजाने में पैसे कहां से आ जाते हैं। भाई साहब खजाना खाली है, बात बात पे खजाना खाली है। सब खा गए, स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए, सड़कें खा गए, जंगल खा गए, बैंकें खा गए। किसी नदिया के घाट पर, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ एक बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सब खा गए, हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसलिए उनके विदेश में खाते हैं। ये फर्क है बस, आम आदमी पार्टी का ये फर्क है, ईमानदार पार्टी है। पंजाब में मैंने यही माहौल 8 महीने पहले देखा था, बिल्कुल यही माहौल, बिल्कुल यही माहौल 8 महीने पहले देखा था। 117 में से 92 सीटें आई, और 92 में से 82
फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार विधायक बने हैं, आम घरों के बेटे बेटियां हैं, आम घरों के बेटे बेटे, मैं भी उनमें हूं, मैं भी पहली बार एमएलए बना हूं, पहले मैं एमपी था। तो आप सोचते हो, आप कोई हाथ खड़ा करके बता सकते हैं आप में से कि कोई आपका दोस्त को या आपके बेटे को या आपके पिताजी चाचे को भाजपा या कांग्रेस टिकट दे सकती है? इनके अपने रिश्तेदार ही नहीं खत्म होते। ये भतीजा है, ये भांजा है, ये बुआ का बेटा है, ये मौसी का बेटा है। आम लोगों की बारी नहीं आती उनमें। और गुजरात को ये कह रहे हैं डबल इंजन। भाई साहब, गुजरात को डबल इंजन नहीं, नया इंजन चाहिए। ये बैठा अरविंद केजरीवाल मॉडल, नया इंजन आ गया मार्केट में, प्रदूषण भी नहीं करता, दौड़ता खूब है, तरक्की की रेस लगेगी, ईमानदारी का इंजन, पारदर्शिता का इंजन, बिजली मुफ्त वाला इंजन, अच्छी शिक्षा वाला इंजन, अच्छे इलाज वाला इंजन। इंजन पंजाब और दिल्ली वालों ने इंजन बदला, गाड़ी पटड़ी पे आ गई। आप गुजरात वालों की बारी है। ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं गुजरात वालों, अब तो बदल जाओ। अगर अच्छे ना निकले, बुरे निकले, 5 साल बाद उखाड़ के फेंक देना भाई साहब। लेकिन हमें पता है कि आम आदमी पार्टी एक मौका मांगती है, लोग बार बार मौके देते हैं। दिल्ली में 3 बार हो गए हैं जी, क्योंकि ईमानदार राजनीति है, पारदर्शिता की राजनीति है। पंजाब में मैं अभी यहां खड़ा हूं, 8 महीने हुए हैं, 8 साल में एमपी रहा, अभी 8 महीने मुझे सीएम बने हुए। मैं आपके पास आया हूं, मैं 20,000 नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं कतारगाम वालों, सरकारी नौकरियां, सरकारी। मैंने करप्शन का हेल्पलाइन नंबर जारी किया, भ्रष्टाचार कोई करता, कोई दफ्तर में बाबू आपसे पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में से मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो हमारे पास भेज देना, बाकी काम सरकार का है। 250 आदमी जेल में है, 250 अधिकारी। नीयत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं यही कहने आया हूं आपको, पत्रकारों ने मुझे पूछा आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका दिल्ली और पंजाब में, मैंने कहा यार सिंपल तरीका है। कहते कैसे? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? बोले कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने पंजाब और दिल्ली में कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल उगे ही नहीं। पंजाब में 117 में से भाजपा को कितनी सीटें हैं? मोटरसाइकिल पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। दिल्ली में पहले 3 थे, आजकल 6 हैं। तो दोस्तों, हम कोई पैसा नहीं देते, लालच नहीं देते, आप खुद ब खुद आते हो। हमारा खजाना तुम लोग हो, जिसके पास ये खजाना हो उसको बैंकों में खाते खुलवाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक वाला खजाना बहुत बड़ा हो। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को आप दिल से चाहते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो इस बार झाड़ू जबरदस्त तरीके से चलनी चाहिए। और यहां पे कतारगाम में जो मशीन है उस पे पांचवें नंबर का बटन है झाड़ू वाला, मशीन में 5वां नंबर है, लेकिन 8 तारीख को आना पहले नंबर पर है। और एक और खुशखबरी दे दूं आपको, कि कतार गांव का जो सर्वे करवाया इन्होंने, बीजेपी ने, हमने नहीं कराया, भाजपा ने, तो कतार गांव में भारी बहुमत से गोपाल इटालिया विधायक बनने जा रहे हैं। ये देखो ना, बहुत अच्छे। मैं कल उधर था भावनगर की तरफ, तो मैं रोड शो कर रहा था,
पांच सात नौजवान लड़के नारे लगाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मैंने कहा जी सबसे पहले इन पांचों के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि इनके खाते में 15-15 लाख पहुंच चुका है। पता ही नहीं किधर से निकल गए, और जाते हुए कह के गए हैं सर ये तो पैसे लिए थे, बोर्ड तो झाड़ू को ही देने वाले हैं। ये आएंगे आपके पास, हमारे पास पैसे नहीं है, ये आएंगे आपके पास, आपका लूटा हुआ माल है इनके पास बहुत है, ये आपके घर पे आएंगे पैसे देने आएंगे। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कतारगाम वालों, अगर ये आए ना पैसे देने मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते, आप ही का लूटा हुआ माल है। हाँ पकड़कर पैसे उसके बाद इनको बोल देना के हाँ। और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर झाड़ू का बटन दबाकर बोल देना के हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजाओ, वरना बाकियों को बाप। अरे गोपाल भाई कितना समझदार लाका यार, कितना समझदार लाका, सब समझ गए। हम इनके घरों पर जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, कोई नौकरी लेने जाता है, कोई 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 गली सड़क के लिए जाता है, इनके घरों के, इनके मंत्रियों के घरों के सामने जाते हैं। भाई साहब चाय पानी की बात छोड़ दो, इनके दरवाजे भी नहीं खुलते, गेट नहीं खुलता हम लोगों के लिए। गेट के साथ एक छोटी सी विंडो खिड़की बनाई होती है, उसको खोल के पीए बोल देता है साहब है नहीं अगले बुधवार को आना। गुजरात वालों अब आपका बदला लेने का टाइम आ गया है, अब ये आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे, अंदर से कुंडी मत खोलना, अंदर से बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है इलेक्शन के बाद आना। इनको भी पता चले ना, इनको भी पता चले कि किसी दर से खाली वापस आने का दर्द क्या होता है, इनको भी पता चलना चाहिए। तो मैं तो यही कहने आया हूं कि ये बाकी कांग्रेस, कांग्रेस तो कोमा में चली गई, कांग्रेस की हालत तो 90 साल उस बुजुर्ग जैसी हो गई जिसके घर वालों को डॉक्टर बोल देता है इसमें अब कुछ नहीं है, घर ले जाके सेवा कर लो। कांग्रेस वालों को तो अपने दफ्तर के बाहर लिखना चाहिए यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं, वो तो बेच देते हैं। कांग्रेस को वोट दोगे अगर वो जीत गया, भाजपा को सबसे पहले वही फोन करेगा, हां जी कितने देते हो, आपकी वोट की कीमत डालेंगे ये, उनको वोट मत देना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, नई पार्टी, नया सूरज, ठंडी हवा के झोंके, 8 तारीख को बदल के देखो सब कुछ बदल जाएगा। एक मौका तो दो ना, एक मौका दोगे तो उसके बाद तो फिर हमारा जिम्मेदारी है ना, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। और युवा नेता हैं हमारे पास, अल्पेश हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं आप में से निकले हुए हैं, आपके बेटे बेटियां हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोपाल भाई आपके अपने अपने बच्चे हैं, गोपाल भाई जैसे लोग जब विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेंगे अंदर से अच्छे कानून बन के निकलेंगे, अंदर से कानून अच्छे बन के निकलेंगे। अच्छे लोगों को चुनोगे तो कानून अच्छे बनेंगे, भ्रष्टाचारियों को चुनोगे तो कानून भी वो अपने हिसाब से बनाएंगे। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है ये लहर जो है और ऊंची होती जा रही है, क्योंकि लोगों का डर निकल गया। अभी भी हैं कुछ दुकानदार मुझे कहते हैं कि सर आपके साथ ही हैं लेकिन धंधा ना चौपट कर दें, मतलब बाहर चाहे झंडा हम उनका लगा लेंगे लेकिन वोट तो आम आदमी पार्टी को ही डालेंगे। वो कई बार इशारा भी कर देते हैं रोड शो में जाते जाते, ऐसे दुकानदार बैठे बैठे ऐसे ऐसे झाड़ू चला देते हैं, झाड़ू झाड़ू। इस झाड़ू से हम इससे पहले मकान जब सिर्फ दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। तो इनको मैं कहना चाहता हूं ये जो भ्रष्ट नेता है ना, किसी की 50 गुना बढ़ गई प्रॉपर्टी, किसी की 100 गुना बढ़ गई, मैं इनको कहना चाहता हूं आप भी बोल देना भगवंत मान आया था कतारगाम में, वो कह के गया था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो
पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कफन पे जेब नहीं, सब यहीं रह जाएगा। लोगों की बद्दुआएं, गरीबों की बद्दुआएं ना लो, किसी का धंधा नहीं चलने देते। छोटा दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, किसान, किसी को कोई वर्ग तो हो जो खुश हो, किसी को नहीं चलने देते। हमारे वाले वे होटल बुकिंग करते थे, जैसे गोपाल भाई ने बोला कि ऑफिस नहीं खोलने देते थे। भाई साहब, दरियाओं को थोड़ी रोक सकते हो, दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ये दरिया देखो, ये चंद सैलाब देखो। तो अभी मैं दो नारे लगाऊंगा, क्योंकि भाजपा वाले भी यहां बैठे होंगे ना बीच में, मुझे पता है, मैं आंख देख के बता देता हूं, आए हुए हैं वो भी। और क्या करना है उन्होंने, उन्होंने यहां देखना है माहौल क्या है, फिर अपने आकाओं को जाके बताना है। वो पूछेगा नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो वो कहेंगे सर इतनी जोर से लग रहे थे कि हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे सुन गए होंगे। तो इतनी जोर से नारे लगाओ कि इनके घरों के शीशे हिल जाएं, विंडो हिल जाएं इनकी, जिन्होंने लूट का माल अपने घरों पे रखा हुआ है। दो नारे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, इनकलाब, थोड़ा और कर दो, इनकलाब, भारत माता की जय, वंदे बहुत धन्यवाद। सारी जिंदगी में आभारी रहूंगा, आपने जो प्यार सत्कार दिया। तंदुरुस्त रहिए, तरक्की करिए, मैं दुआ अरदास करता हूँ। और बाद में जीतने के बाद भी आके जाएंगे, धन्यवाद करने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।